नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों आज हम आने वाले समय में नेक्स्ट वीक का शेयर मार्केट की बात करेंगे, कंपनी कुंडली का एनालिसिस लेके आएंगे, उसकी बात आज करूंगा। इसके पहले दोस्तों जो मैंने आप सभी को वीडियो दिया था कन्या राशि की संक्रांति का, कन्या राशि की संक्रांति जो है वो मैंने आप सभी को बुलिस दिया था, लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि आज से नहीं पिछले 3 वर्ष से मैं संक्रांति का वीडियो दे रहा हूँ। अब आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पूरा महीना रुकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको 20% 25% का प्रॉफिट हो जाए एग्जिट कर लीजिए, या 20 से 25% का नुकसान हो जाए एग्जिट कर लीजिए। नुकसान हो जाए तो समझिए संक्रांति फेल हो गई। कन्या राशि की संक्रांति 17 सितंबर to 17 अक्टूबर है। 17 सितंबर को संडे था, 18 और 19 सितंबर को आप देखिए कि निफ्टी करीब जो है 200 से 250 पॉइंट निफ्टी 2 दिन में चढ़ा। अब बैंक निफ्टी करीब 700 पॉइंट चढ़ा। आप कोई भी लेवल पे कॉल ऑप्शन जो है बाई किए होंगे तो आपको कॉल ऑप्शन में तो कम से कम 50-60% का प्रॉफिट हुआ होगा, या कहीं भी कुछ भी बाई किए होंगे तो 20 से 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों मार्केट ख़राब है, पूरा महीना आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो प्रीमियम गल जाता है। तो ये रही बात दोस्तों संक्रांति का, पूरा महीना देखने के लिए संक्रांति फेल हुई या पास हुई उससे आपको मतलब नहीं है। आपका मतलब इतना ही है कि आपको जहाँ भी जो है कुछ प्रॉफिट मिल जाए एग्जिट कीजिए, अगले वीडियो का हमारा इंतज़ार कीजिए। दोस्तों मैं रोज़ वीडियो नहीं देता हूँ, एक बार नहीं कई बार आपको बताया हूँ कि रोज़ जो है कॉल पुट का ट्रेड कराना, यानी कि सट्टा कराना। सट्टे का कारक ग्रह जो है वो राहु है। रोज़ राहु को ऑपरेट करना यानी सट्टा करना जो है वो आने वाले समय में जो है वो बहुत ही भयंकर परिणाम देता है। और काल पुट में जो है आप जो है कभी भी पैसा कमा नहीं पाएंगे। काल पुट उतने कीजिए, एक महीने में एक बार दो बार तीन बार आपने कर लिया, जहाँ कुछ आपको मिल गया वहाँ से बगल हो जाइए। आप जो है व्यापार कीजिए, बिजनेस करेंगे, शेयर में ट्रेडिंग करेंगे, महीने का 5-10% का टारगेट लेके चलेंगे तो उसको बिजनेस बोलते हैं। तो वहाँ आपने बुध को एक्टिवेट किया है। कॉल पुट ऑप्शन करेंगे, रोज़ पैसे को डबल करने की कोशिश में रहेंगे तो वहाँ आप राहु को ऑपरेट करेंगे। और राहु जो है सट्टे में किसी को जीतने नहीं देता है, 100 में 5% ही होंगे जो सट्टे में जीतते हैं। ये आप सबको पता है दोस्तों, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सट्टे से जो है कभी किसी का भला नहीं हुआ। जितने भी लोग कालपुट आपको देते हैं, सुबह दोपहर शाम वीडियो लाके आते हैं आपको देते हैं, वो खुद भी जो है पैसा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन उनका बिजनेस है, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, मैं इसलिए रेगुलर वीडियो आपको नहीं देता हूँ। अब दोस्तों लोग जो है सर्विस के बारे में पूछते हैं, तो दोस्तों मेरी सर्विस जो है 1 जनवरी से शुरू होती है और 31 दिसंबर को पूरी होती है। उसमें शेयर मार्केट, पोजिशनल व्यू, उसमें जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, क्रिप्टो करेंसी, प्योर ज्योतिष से जो योग बनता है वो मैं देता हूँ। मैं डेली का कोई भी सट्टा मैं नहीं कराता हूँ और ना मैं अपने क्लाइंटों से डेली में बात ही करता हूँ। जो भी हमारे मेंबर हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मेंबर हैं दोस्तों,
तो जो है जो भी लोग पोजिशनल ट्रेड ही करते हैं और उसमें भी जो यदि आप समझिए कि मैं डेली का ट्रेड दूँ तो डेली तो मैं खुद नहीं सही हो सकता और डेली मैं खुद सही हो जाऊँ तो मैं खुद अरबपति बन जाऊँ तो ये दूसरे को ये सर्विस क्यों दे रहा हूँ। तो दोस्तों जो है ये प्योर ज्योतिष से मैं अपना जो भी योग बनता है वो मैं लिखता रहता हूँ और जो भी हमारे मेंबर हैं जो है काफ़ी हद तक उनको अच्छा लाभ भी मिलता है क्योंकि कई साल से लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों लेकिन हम बीच में जो है किसी को भी नहीं लेता हूँ। बीच में मतलब कि जनवरी में सर्विस शुरू होती है तो दिसंबर से लेके फरवरी तक ही मैं लोगों को लेता हूँ क्योंकि लोग मैसेज हर समय करते हैं कि पंडित जी मुझे आपके साथ जुड़ना है। तो इसलिए ये मैं मैसेज दे रहा हूँ आप सभी को कि दोस्तों जिनको भी जुड़ना है वो हमसे दिसंबर में संपर्क करें। मैं बीच में किसी को भी नहीं लेता हूँ। ये मैं कभी भी इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया है, अभी भी मैं अपडेट कर रहा हूँ कि जिसको भी सर्विस लेना है वो दिसंबर में जुड़े। लेकिन वही लोग जुड़ें जिनको यदि रोज़ कालपुट ऑप्शन करना है, रोज़ मार्केट करना है, रोज़ गोल्ड सिल्वर करना है, रोज़ क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना है, तो ऐसे लोग हमसे न जुड़े जो है, इस बात का वो ध्यान रखेंगे। नहीं तो वो जुड़ के जो है फिर वो पछताएंगे कि अरे पंडित जी ये तो मुझे रोज़ नहीं मिल रहा है या रोज़ मैं उनसे बात करूं तो मेरा बात भी नहीं हो पाता है क्योंकि मैं ब्रॉडकास्ट में सिर्फ लिखने का काम करता हूं कि ज्योतिष से क्या योग बन रहा है। उसमें भी दोस्तों 400 प्लस मेंबर हैं। यदि मैं हर समय ऐड करूं तो अब तक 2000 से ज़्यादा मेंबर हो जाते, लेकिन फरवरी से ही जो है मैं लोगों को लेना बंद कर देता हूं जो कि ये नवंबर लास्ट तक बंद रहेगा। दिसंबर से मैं फिर से नया सर्विस देता हूं। तो ये रही दोस्तों सर्विस से रिलेटेड जो है बात जो है। दोस्तों हाँ, कंपनी कुंडली का एनालिसिस है, आपके इंडिविजुअल कुंडली का एनालिसिस है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कभी भी कर सकते हैं। एक हफ्ते 10 दिन में आपको सर्विस मिलेगी फीस जमा करने के बाद। अब दोस्तों जो है अगले सप्ताह शेयर मार्केट में क्या हो सकता है। 10th अक्टूबर से लेकर 14th अक्टूबर, तो दोस्तों यदि आपको जो है मंडे को जैसा कि SGX जो है बहुत डाउन है, अमेरिका मार्केट डाउन है, यदि आपको मंडे को मार्केट नीचे में गैप डाउन खुलने का तो चांस जैसा SGX दिखा रहा है वैसा लग रहा है, यदि आपको नीचे में माल मिलता है तो आप थोड़ा बाई कर सकते हैं मंडे को, थोड़ा बाई आप ट्यूसडे को कर सकते हैं। मुझे ट्यूसडे ऑनवर्ड से जो है मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश का लग रहा है जो कि जो है आने वाला जो ये वीक है 10th अक्टूबर टू 14th अक्टूबर ओवरऑल ट्रेंड जो है हमको बुलिश का लग रहा है। तो दोस्तों यदि आपको इसमें जो है कहीं भी कुछ बाई करना है तो आप जो है मंडे और ट्यूसडे में थोड़ा बाई कर सकते हैं। आप जो है प्रॉफिट का रेशियो जो है 15-20% का रखिएगा कॉल ऑप्शन में जो भी आपको लेना है। तो आपको यदि प्रिडिक्शन फेल होता है तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, यदि प्रिडिक्शन सही होता है तो आपको जो है मुझे जैसा लग रहा है कि मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार मार्केट का ट्रेंड जो है कुछ तेज रहना चाहिए। ओवरऑल के ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, बीच में का एक दिन डाउन भी हो सकता है लेकिन मंडे की जो भी ओपनिंग होगी फ्राइडे की क्लोजिंग जो है उससे ऊपर होना चाहिए ऐसा ज्योतिष से जो है वो मुझे लग रहा है। तो यह रहा दोस्तों जो है नेक्स्ट वीक का जो है शेयर मार्केट की बात जो है। अब दोस्तों मुझे एक कंपनी कुंडली मैं लेके आया हूँ, एक कंपनी है दोस्तों जी मीडिया। ये जी मीडिया की कंपनी का शेयर है दोस्तों, ये जो है इस समय 17.50 रुपये में जो है ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो इसका मैं कंपनी कुंडली की बात करूं तो दोस्तों यह कुंभ लग्न की कुंडली है, 29 डिग्री का लग्न है। लग्न का जो नक्षत्रपति है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का तीसरा चरण है। कंपनी की जो राशि है वो कन्या राशि है, 11 डिग्री 40 कला की राशि है और हस्त नक्षत्र के पहले चरण में कंपनी की लिस्टिंग हुई है। तो दोस्तों लग्न जो है कुंभ लग्न है, लग्न में राहु बैठे हुए हैं। कुंभ लग्न में राहु अच्छा फल देते हैं,
राहु का जो है डिस्पोजिटर जो है वो शनि है, जो कि शनि जो है सातवें घर में है, शनि और केतु की युति है, जो कि ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लग्न के ऊपर और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। लग्नेश जो है खुद शनि है, जो कि सातवें घर में बैठकर अपने घर को देख रहा है, तो शनि की दृष्टि को खराब माना गया है। लेकिन शनि जब अपने घर को देखता है तो बहुत खराब नहीं करता है। तो ओवरऑल दोस्तों, लेकिन लग्नेश जो है वो शत्रु राशि में है, लग्नेश शनि जो है वो 0 डिग्री पे है, डिग्री वाइज उसमें पावर नहीं है। शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में है, जो है शनि केतु की युति है, जो कि ये मीडियम है। जो है शनि जो है नवमांश कुंडली में बात करें तो मेष नवमांश में है, जो कि वो नीच का है। तो लग्नेश शनि जो है सिंह राशि मेष नवमांश में है, यानी शत्रु राशि में है और नीच के नवमांश में है। तो इसका क्या फल हुआ दोस्तों? इसका फल हुआ कि लग्नेश जो है बहुत पावरफुल नहीं है, लग्नेश यानी कि कंपनी। लेकिन लग्न में राहु बैठे हुए हैं, जो कि उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। राहु जो है कुंडली में कुंभ राशि में है, वृषभ नवमांश में है। राहु जो है वो एग्जाल्टेड हैं, जो कि वो मेजर पॉजिटिव हैं। धन की हम बात करें दोस्तों, जो है सेकंड लॉर्ड जो है धनेश जो है गुरु हैं, जो कि वो सेकंड हाउस सॉरी जो कि वो 10th हाउस में हैं, मेजर पॉजिटिव हैं। गुरु अपने घर को देख रहे हैं, जो कि वो मेजर पॉजिटिव हैं। तो गुरु जो है वृश्चिक राशि में है दोस्तों, गुरु जो है वो वृश्चिक नवमांश में है, गुरु जो है वो वर्गोत्तम है, जो कि मेजर पॉजिटिव हैं। गुरु जो है कुंडली में 17 डिग्री का रिजल्ट दे रहे हैं, पॉजिटिव हैं। गुरु जो है वो शनि के नक्षत्र में है, गुरु दोस्तों जो है वो शनि के नक्षत्र में है, और गुरु से शनि जो है 106 डिग्री पर है, जो कि ये डिग्री जो है मीडियम टू पॉजिटिव है। जो है गुरु और शनि दोस्तों एक दूसरे के मित्र हैं, जो कि ओवरऑल वो पॉजिटिव है। तो धनेश की पोजीशन जो है ओवरऑल पॉजिटिव है। धनेश गुरु का डिस्पोजिटर जो है वो मंगल है, गुरु से सेकंड हाउस में है, जो कि वो भी पॉजिटिव है। यानी ओवरऑल धन की बात करें जो है, तो कंपनी का जो है धन की जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक रहेगा। धनेश की पोजीशन बहुत बेटर है दोस्तों, लेकिन धनेश का जो नक्षत्रपति है वो शनि जो है वो गुरु और शनि मित्र हैं, लेकिन शनि जो है 0 डिग्री पे है, शनि शत्रु राशि में है और नीच के नवमांश में है। इसलिए धनेश गुरु का स्ट्रेंथ थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन ओवरऑल फिर भी धनेश की पोजीशन बेटर है। आम पब्लिक की बात करें दोस्तों, तो आम पब्लिक का स्वामी जो है वो 4th लॉर्ड जो है शुक्र बनता है, जो कि वो 12th हाउस में है, नुकसान के घर में है, जो कि वो मीडियम है। शुक्र जो है मकर राशि में है, मित्र की राशि में है, पॉजिटिव है। शुक्र का डिस्पोजिटर शनि है, शुक्र शनि षडाष्टक है, जो कि वो निगेटिव है। शुक्र जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, शुक्र और चंद्रमा भी एक दूसरे के शत्रु हैं जो है, लेकिन शुक्र और चंद्रमा का त्रिकोण योग बन रहा है, जो कि वो पॉजिटिव है। शुक्र जो है वृषभ नवमांश में है, अपने ही नवमांश में है, जो कि वो पॉजिटिव है। यानी शुक्र दोस्तों मकर राशि वृषभ नवमांश में है, राशि हिसाब से देखें, नवमांश के हिसाब से देखें तो बेटर है। तो निगेटिव क्या है? शुक्र का डिस्पोजिटर और शुक्र का नक्षत्रपति ये निगेटिव है। यानी आम पब्लिक के लिए ये कंपनी कैसा रहेगा? ये मीडियम टू पॉजिटिव रहेगा। 4th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि है, यानी इसमें पेशेंस रखेंगे आम पब्लिक, इसमें उनको लाभ जरूर मिलेगा। व्यापार की बात करें दोस्तों, तो 7वां घर व्यापार का है, पार्टनर पार्टनरशिप का है, इंटरनेशनल अफेयर है। शनि और केतु वहाँ पे बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, वो मीडियम बनता है। भाग्य की बात करें दोस्तों, जो है लक, तो जो लक का स्वामी ग्रह है जो है वो शुक्र बनता है, जो कि 12वें घर में है, वो मीडियम बनता है। शुक्र की बात मैंने किया दोस्तों, शुक्र जो है राशि वाइज नवमांश वाइज बहुत बढ़िया है, डिस्पोजिटर वाइज और नक्षत्र वाइज जो है वो निगेटिव है। तो लक जो है कंपनी को भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाग्य का साथ जो है मीडियम टू पॉजिटिव है। 10th हाउस की बात करें, जो सबसे ज़रूरी है करियर की, तो करियर के घर में जो है गुरुदेव बैठे हुए हैं, जो कि ये मेजर पॉजिटिव है। गुरु जो है करियर को बढ़ाएंगे, 10th हाउस में गुरु अच्छा फल देते हैं, बढ़ाएंगे। 10th लॉर्ड जो है वो मंगल है, जो है सूर्य बुध और मंगल लाभ स्थान में है, कोई भी प्लैनेट लाभ स्थान में अच्छा फल देते हैं। गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन है, जो कि वो पॉजिटिव है। मंगल जो है मित्र की राशि में है और अपने ही नवमांश में है, मेष नवमांश में है, जो कि वो पॉजिटिव है।
मंगल जो है केतु के नक्षत्र में है, मंगल और केतु का जो है, मंगल और केतु का दोस्तों 95 डिग्री का योग है, जो कि ये डिग्री जो है वो मीडियम है। मंगल जो है दोस्तों, जो है मंगल का डिस्पोजिटर पॉजिटिव है, मंगल की पोजीशन जो है वो पॉजिटिव है, मंगल का नवमांश जो है वो पॉजिटिव है, मंगल का नक्षत्रपति के साथ संबंध जो है मीडियम टू पॉजिटिव है। यानी 10th हाउस जो करियर है, करियर कैसा रहेगा कंपनी का, करियर जो है कंपनी का काफ़ी अच्छा है, जो है कंपनी जो है आने वाले समय में जो है और भी अच्छा प्रोग्रेस करेगा। तो दोस्तों इसका बहुत डिटेल एनालिसिस मैं किया हूँ, आपको मैं थोड़ा ही जो है इसमें बता रहा हूँ, यदि मैं पूरा एनालिसिस करूँ जो है तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा जो है वो बन जाएगा दोस्तों। अब मैं बात करूं जो है अष्टक वर्ग की दोस्तों, तो सर्वाष्टक वर्ग में जो है लग्न को 29 पावर मिल रहा है, जो कि ये काफ़ी अच्छा है। जो है धन भाव में दोस्तों जो है 24 पावर है, जो कि ये मीडियम है, दोस्तों। तो ओवरऑल जो है भाग्य की बात करें तो वहाँ पे 37 बिंदु मिल रहा है, जो कि मिनिमम 25-26 से एबव रहे तो अच्छा है। यानी भाग्य का साथ भी कंपनी को जो है वो मिल रहा है, यानी अष्टक वर्ग से भी मिल रहा है और प्लानिटरी पोजीशन से मीडियम टू पॉजिटिव है और अष्टक वर्ग से जो है पॉजिटिव है। तो दोस्तों हम दशा की बात करें जो है, जो सबसे ज़रूरी है, अभी तक दोस्तों कंपनी की मंगल की महादशा चल रही थी 2015 से 3 नवंबर 2022 तक जो है, ये 7 साल की जो है ये मंगल की महादशा थी दोस्तों। तो मंगल जो है कंपनी के लिए क्या देगा, इसके लिए हम बात करते हैं। तो पहले दोस्तों रूल क्या है, कुंभ लग्न में जो है मंगल की महादशा शुभ फल नहीं देता, ठीक है दोस्तों। कंपनी की जो है कन्या राशि है, कन्या राशि में भी मंगल की महादशा शुभ फल नहीं देता। तो दोस्तों जो है राशि और लग्न के हिसाब से मंगल की महादशा शुभ फल नहीं देता, लेकिन मंगल लाभ स्थान में है, मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन है जो है, इस वजह से दोस्तों जो है मंगल की महादशा जो अब तक चली जो है 2015 नवंबर से नवंबर 2022 तक, एक कंपनी का शेयर यहाँ पे जो है अप एंड डाउन किया, यानी कि लाभ स्थान में कोई भी प्लैनेट अच्छा फल देता है, इसलिए कंपनी का शेयर जो है तेज भी हुआ और उसके बाद जो है थोड़े टाइम में वो गिर भी जाता था। ऐसा क्यों, क्योंकि वो लाभ स्थान में मंगल है तो इसलिए बाउंस तो वो बार बार देता है, लेकिन थोड़े टाइम में वो सस्टेन नहीं करता है, क्योंकि लग्न और राशि दोनों उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी लग्न यानी कंपनी खुद जो है महादशा को सपोर्ट नहीं कर रही थी, इस वजह से मंगल की महादशा जो है कंपनी के लिए वो मीडियम जो है गई। अभी ये 3 नवंबर को मंगल की महादशा ख़त्म हो रही है, 3 नवंबर 2022 से 3 नवंबर 2040 तक जो है एक कंपनी की राहु की महादशा जो है वो शुरू हो रही है, जो कि राहु की महादशा दोस्तों 18 वर्ष चलेगा, जो कि इसकी लंबी महादशा है। राहु दोस्तों लग्न में है, जो कि वो पॉजिटिव है, राहु का डिस्पोजिटर शनि है, राहु और शनि केंद्र योग हैं, जो कि पॉजिटिव है। राहु 26 डिग्री का रिजल्ट दे रहा, 26 डिग्री जो है गेन की डिग्री है, जो कि वो पॉजिटिव है। राहु का नक्षत्रपति जो है वो गुरु है, राहु से जो है 10th हाउस में गुरु है, जो कि वो पॉजिटिव है। राहु जो है नवमांश कुंडली में बात करें तो राहु नवमांश कुंडली में जो है वो एग्जाल्टेड है, उच्च का राहु है जो है वृषभ राशि का है, जो कि वो पॉजिटिव है। राहु दोस्तों सर्वाष्टक वर्ग में जो है 29 पावर लेके बैठे हुए हैं, जो कि वहाँ भी राहु पॉजिटिव है जो है। राहु दोस्तों जो है दशमांशा कुंडली में बात करें तो 12th हाउस में है, मीडियम है, लेकिन जो है तुला राशि का है, मित्र की राशि में है, और राहु का डिस्पोजिटर शुक्र है, जो कि 3rd हाउस में है। राहु से 4th हाउस में उसका डिस्पोजिटर है, जो कि पॉजिटिव है, यानी दशमांशा कुंडली में भी राहु ओवरऑल पॉजिटिव है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि राहु का नक्षत्रपति गुरु है, और गुरु जो है कुंडली में जो है धन भाव का स्वामी है। तो दोस्तों राहु की महादशा कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी जाएगी, राहु की महादशा जो है कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है। कुछ पीरियड मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3 नवंबर 2022 से लेकर 16 जुलाई 2025, ये समय कंपनी के लिए जो है मीडियम टू पॉजिटिव रहेगा, मीडियम टू पॉजिटिव रहेगा। 16th जुलाई 2025 से 10th दिसंबर 2027
16 जुलाई 2025 से 10 दिसंबर 2027 इसमें दोस्तों जो है कंपनी का राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चलेगी और गुरु धनेश है और गुरु राहु का नक्षत्रपति है। 16 जुलाई 2025 से 10 दिसंबर 2027 एक कंपनी के लिए मेजर गोल्डन पीरियड रहेगा दोस्तों, ये कंपनी के लिए मेजर गोल्डन पीरियड रहेगा दोस्तों जो है, ये मैंने आपको दोस्तों बताया, इतना जो है मैंने आपको बता दिया। बाकी ओवरऑल राहु की महादशा जो है कंपनी के लिए अच्छा है, लेकिन ये कुछ पीरियड मैंने आपको बताया कि इस पीरियड में जो है कंपनी जो है एक अच्छा ग्रोथ जो है करेगा। आगे का भी समय कंपनी के लिए ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा अप एंड डाउन जो है वो होता रहेगा। लेकिन ये जो पीरियड राहु में राहु और राहु में गुरु, ये कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसमें आप जो है थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है आप कर सकते हैं, जो कि इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये रही दोस्तों कंपनी कुंडली का एनालिसिस जो है दोस्तों। लेकिन आप दोस्तों हमेशा ये समझिए कि इंडिविजुअल कुंडली यानी हमारी आपकी कुंडली एक ही बनती है, कंपनी कुंडली दोस्तों कई बनती है। कैसे? कंपनी का दोस्तों जो भी कोई मालिक होगा, ओनर होगा, उसकी कुंडली, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डेट की कुंडली, कंपनी के लिस्टिंग डेट की कुंडली, तो दोस्तों कंपनी की तीन तीन चार चार कुंडली बनती है। इसलिए दोस्तों इसका सक्सेस रेशियो 70% तक ही मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि दोस्तों यदि मान लीजिए ओनर की कुंडली या इनकॉर्पोरेशन डेट की कुंडली में समय बहुत ख़राब हो तो प्रिडिक्शन फेल भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों जो है कंपनी कुंडली का जो भी आप एनालिसिस मेरा देखें उसमें बहुत ही थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है आप करके चलें जो है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि प्रिडिक्शन कभी भी फेल भी हो सकता है। तो दोस्तों ये रही कंपनी कुंडली का एनालिसिस दोस्तों। आपको दोस्तों हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो है दोस्तों ज़रूर कीजिएगा जो है। इसलिए दोस्तों जो है हमारे साथ फाइनेंशियल ज्योतिष में ज़रूरत से ज़्यादा जो है मेंबर मेरे पास जुड़े हैं, आप सबका आशीर्वाद है। आप दोस्तों मेरा 58,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, जो कि दोस्तों प्योर फाइनेंशियल ज्योतिष का ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैनल है, जो कि कोई भी टेक्निकल टूल का सिंगल टी भी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो टेक्निकल ही मैं फॉलो करता हूं। तो दोस्तों जो है आपको इस वजह से दोस्तों मैं आपको हमारी वजह से नुकसान हो इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं देता हूँ। 58,000 सब्सक्राइबर दोस्तों, जितने भी यूट्यूब के फाइनेंशियल ज्योतिषी हैं, मुझे लगता है कि 15-20-25 फाइनेंशियल ज्योतिषी होंगे, जो कि प्योर फाइनेंशियल ज्योतिष में आप देखेंगे कोई एकाद होगा तो होगा, नहीं तो भगवान की कृपा से सबसे बड़ा चैनल है, जो कि ये आप सभी के आशीर्वाद से है। तो दोस्तों चैनल को अच्छा लगे मेरा ये व्यू तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। अब मेरा यह डिस्क्लेमर है कि आपको जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा और मेरा चैनल आपके कोई भी नफे और नुकसान से लेना देना नहीं है। मैं जो है कोई भी जो है टेक्निकल टूल का इस्तेमाल नहीं करता, मैं प्योर ज्योतिष से अपना जो है एजुकेशनल व्यू आपको देता हूँ। जय श्री राम।